अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम सी क्यूज़ प्लेटफॉर्म। इफ़ यू आर गोइंग टू अपेयर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम देन यू मस्ट वॉच दिस सीरीज ऑफ 101 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दीज रूल्स विल असिस्ट यू इन रेक्टिफाइंग एरर्स आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द क्वेश्चन पेपर एंड विल हेल्प यू इन इंग्लिश राइटिंग। सो I have brought very interesting rule for you today. Before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get notification about upcoming rules of English grammar. So let us learn today's rule, rule number 22nd. In English grammar, when the subject is the number of, the singular verb is used, and when the expression a plus number plus of, then plural verb is used. अब देखें English grammar में जब subject मतलब subject की जगह पे the number of इस्तेमाल हो तो उसके बाद हमने verb singular लगाना है। उसी तरीके से अगर subject या expression a number of इस्तेमाल हो तो हमने प्लूरल वर्ब लगाना है। इसको मज़ीद समझने के लिए हमें एग्जांपल पे जाना पड़ेगा। अब देखें एग्जांपल बिल्कुल सिंपल हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल। हमने क्या पढ़ा, द नंबर ऑफ जब इस्तेमाल होगा तो वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। तो यहाँ आर इसलिए इनकरेक्ट हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी स्मॉल। तो ये करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक हो गया। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ पास्ड इन द एग्जामिनेशन। और फिर हमने पढ़ा दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब एक्सप्रेशन अ नंबर ऑफ आएगा तो उसके बाद हमने वर्ब प्लूरल लगाना है। तो यहाँ क्या वर्ब है, सिंगुलर है, तो इसको हम प्लूरल करेंगे तो हमारा ये एरर ठीक हो जाएगा। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये था आज का रूल अ नंबर ऑफ अ द नंबर ऑफ के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये रूल समझ आया होगा। इसी तरीके से हमने एक एमसीक्यूज आपके लिए रखा हुआ है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डैश पास सीएसएस एग्जाम। हैस होगा, हैव होगा, बोथ है एंड भी होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे तो यकीनन आप इसको हल करने में देर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये रूल, रूल नंबर 22 समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल, रूल नंबर 23 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल, रूल नंबर 23 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।